जहां ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हुई है और जयपुर में 2500 ट्रांसपोर्टर कंपनियों ने ऑफिस बंद कर दिए हैं। जयपुर ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर एसोसिएशन, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जयपुर परचून ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये आह्वान किया है। बसों में माल ढुलाई के लाइसेंस का विरोध किया जा रहा है। साथ ही हड़ताल से 6000 ट्रकों के पहिए जाम हो चुके हैं। जयपुर के 150 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो सकता है। वहीं करोड़ों रुपए के राजस्व को इस विरोध से चपत लग सकती है। तो आज ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद 150 करोड़ का संभावित कारोबार प्रभावित होगा। साथ ही सरकार को भी 20 करोड़ के राजस्व की चपत लगेगी। वहीं जयपुर ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल आज होने वाली है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां जयपुर में 2500 ट्रांसपोर्टर कंपनियों के ऑफिस बंद कर दिए हैं। जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जयपुर परचून ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने यह आह्वान किया है, जिसके बाद बसों में माल ढुलाई के लाइसेंस का विरोध किया जा रहा है। इस हड़ताल के बाद 6000 ट्रकों के पहिए आज जाम हो जाएंगे, जिससे लगभग 50 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होगा। साथ ही 20 करोड़ रुपए का राजस्व की भी राज्य सरकार को चपत लगेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संवाददाता बीके शर्मा। बीके, आज ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? अभी हाल ही में 27 जुलाई को राज्य के यातायात विभाग ने एक आदेश जारी किया है, और जिसके तहत जो यात्री बसें हैं उनमें भी माल ढुलाई की जा सकेगी, और इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। और लाइसेंस फीस में अलग 6000 रुपए है, फिर उसके अलग अलग मद है, अलग अलग दरें हैं जिनसे वो लाइसेंस मिलेगा। और उसके बाद ये बसें अपने जो यात्रियों के साथ साथ ही माल की ढुलाई भी कर सकेंगी, यानी जो उसकी छत है या उसके अंदर जो स्टोर होता है उसके अंदर डिक्की के अंदर भी वो माल ले जा सकेंगी जो। लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इसके कारण ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर तो असर होगा ही, क्योंकि ये बसें अभी भी अवैध रूप से माल की ढुलाई करती हैं और माल लेकर जाती हैं, लेकिन उसके बाद में इनका ट्रांसपोर्टर्स का व्यापार प्रभावित होगा। इसके साथ ही जो यात्री हैं उनकी भी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी जब अवैध रूप से जब बसें माल लेकर जाती हैं कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि बसों की छत के ऊपर ज्यादा ऊपर तक माल भरा हुआ होता है, तो कई जगह रास्ते में जो करंट आता है और जो तार एक तरफ निकल रहे होते हैं इलेक्ट्रिक जो वायर है उनसे छू जाते हैं, बस में आग लग जाती है, इस तरह की तमाम संभावनाएं भी इन्होंने जताई हैं। लेकिन इनका मुख्य मुद्दा है कि जो मोटर वाहन अधिनियम है उसके तहत भी ये गैर कानूनी है कि यात्री बसों को माल ढुलाई का लाइसेंस दिया जाए। ये सेपरेट अलग अलग ये व्यापार अलग अलग चीजें हैं, यात्री भार वो अलग काम है, उसका अलग उद्देश्य है, और माल ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट एक अलग सिस्टम है, तो एक व्यवस्था है। उसके खिलाफ सरकार केवल अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इस तरह के गलत तरीके अपना रही है, इसके कारण ये विरोध है। तो आज ये जयपुर में, जयपुर जिले में विरोध है, और इसके बाद में कुछ जगह भीलवाड़ा और कई दूसरी जगह से भी सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन अधिकृत रूप से जयपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने ये आज के एक दिन का ये हड़ताल की है। आने वाले दिनों में जो अलग राज्य के दूसरे हिस्से हैं वहां भी ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल कर सकते हैं, और पूरे राज्य में भी ये चक्का जाम हो सकता है यदि ये सरकार ने नियम और जो आदेश है ये वापस नहीं लिए तो। सौरभ, धन्यवाद बीके इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज जयपुर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है जहां ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने साथ मिलकर हड़ताल का आह्वान किया है। वहीं बसों में माल ढुलाई के लाइसेंस का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हड़ताल की जा रही है, जिसके बाद 6000 ट्रकों के पहिए आज जाम हो जाएंगे और लगभग 150 करोड़ का संभावित कारोबार प्रभावित होगा। साथ ही 20 करोड़ रुपए की राजस्व की चपत भी आज राज्य को लग सकती है। We'll be right back.